वो लोग मंदिर जाने से मना करते हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं, पूजा पाठ कुछ नहीं कहते हैं, है ना भाई। स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता है तो ए के संग ए फॉर एप्पल भी बना के बताते हैं। हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। सचमुच क्या स्वर्ग और नर्क कहीं पर है, ये मैं जानना चाहता हूँ, या ये डर है जो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुस्लिम में मूर्ति पूजा नहीं होती है। और एक हिंदू लड़की जो मूर्ति पूजा करना छोड़ दी थी और फिर से अनिरुद्ध आचार्य बाबा के दरबार में आती है और पूछती है ये मूर्ति पूजा क्यों करते हैं और इससे करने से हमें क्या फ़ायदा है। और मैं फिर से स्टार्ट कर दी हूँ और मैं आपके सामने ये सवाल कर रही हूँ, ऐसा वो कहती है। और देखिए जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य बाबा क्या कहते हैं और उसके बाद जाकिर नायक, डॉक्टर जाकिर नायक साहब की भी बात सुनेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं कि क्यों पूजा करनी चाहिए और क्यों नहीं पूजा करनी चाहिए, क्यों पूजा करते हैं और क्यों पूजा नहीं करनी चाहिए, ये हम डॉक्टर जाकिर नायक साहब से बात करते हैं। इसकी क्रेडिट वाई इस्लाम बेस्ड चैनल को जाती है जो बहुत ही मेहनत की है भैया ने, तो चलिए आप भी उनको हमारे चैनल पे आने वाले लोगों उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत करते हैं और हमें भी प्यार दें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो उस गुरु के प्रभाव में आकर ये बहन जी भी मूर्ति पूजा छोड़ ही दिया था, लेकिन बाद में फिर से जब ये अनिरुद्ध आचार्य जी के पास आने लगा फिर से वो मूर्ति पूजा शुरू कर दिया। और जब ये सारी बातें इसे हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी को बोल देती हैं तब ये गुरु जी भी उसे मूर्ति पूजा के फेवर में समझाने लगता है, जो आप आगे इस वीडियो क्लिप में देख ही पाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों हम इसकी करारा जवाब सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नायक सर से, जो वीडियो यार बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो आज की वीडियो पूरा जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई, आइए देखते हैं। मेरी जो दीक्षा है गुरु दीक्षा, वो पहले राधा स्वामी गुरु जो है ब्यास में वहाँ से हो चुकी है। तो वो मूर्ति पूजा या ये जो हम धर्म कर्म पूजा करते हैं इन सब में बिलीव नहीं करते, और वो सब हमें बंद भी करवा दिया था उन्होंने। अच्छा, तो काफ़ी सालों तक मेरा भी उधर ध्यान बंद हो गया था, नहीं इतना नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा आपकी कथाओं के प्रभाव से मुझे नारायण भगवान के बारे में पता लगा कि नहीं, जुड़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और ये चीज़ें करना, तो मेरा बहुत मन होता है कि मैं वो करूँ, लेकिन क्योंकि गुरु लोग तो वो लोग क्या बताते हैं आपको, क्या भगवान नारायण की पूजा, वो सिर्फ सिमरन के लिए पाठ बताते हैं कि हमें वो पाठ जपना है जो उन्होंने टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग कि इतने घंटे का आपका पूजा किसकी करना, वो लोग मंदिर जाने से मना करते हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं, पूजा पाठ कुछ नहीं कहते हैं कि नहीं। फिर पूजा पाठ नहीं करें तो क्या करें, वो सिर्फ सिमरन करने पर ही ध्यान देने के लिए बोलते हैं कि सिमरन करना है। तो सिमरन किसका, जो उन्होंने दिया है गुरु मंत्र, बस वही मंत्र दिया उसी का, मतलब कोई आकार नहीं है। नहीं कुछ नहीं, वो बोलते निराकार है और बस अपने ध्यान से ही आप उधर ध्यान लगाओ। अल्लाह, वो बोलते हैं केवल निराकार है। हाँ जी। तो देखो ऐसा है बेटा, निराकार तो है पर निराकार तक पहुंचने के लिए साकार का सहारा लेना पड़ेगा, है ना जी। भाई स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता है तो ए के संग ए फॉर एप्पल भी बना के बताते हैं। भाई एप्पल, ए फॉर एप्पल, जब वो एप्पल तस्वीर में देखता है तो सही का एप्पल मिलेगा तो पहचानने में आसानी होगी, भाई ये तो वही है जो देखा था। उसी प्रकार साकार को देखकर ही निराकार में मन लग सकता है। हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। डॉक्टर जाकिर नायक जी, मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते हैं, बेसिक सीखते कठिन चीज बाद में सीखते हैं, आठवीं नौवीं दसवीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2+2=5, आपने कहेंगे गलत है मैं जानता हूं, दसवीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2+2=5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2+2=4 is the foundation। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है
कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है। फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेंगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की, हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए। और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में जीरो है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूँ, चैप्टर नंबर वर्स नंबर, इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकी करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। आपकी हिंदू धर्म किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से दोहराता हूँ कि लिखा है श्वेता सेतार उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्रा नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्रा नंबर 3 में न तत्स्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपकी मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कॉन्सेंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले पहले शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए। मैं श्यामा मंडल प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ, मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा मन में बहुत दिन से कुछ सवाल है मेरा धर्म के प्रति, और जो स्वर्ग और नर्क के बारे में बार बार बोला जाता है, और नर्क, ये सचमुच क्या स्वर्ग और नर्क कहीं पर है, ये मैं जानना चाहता हूँ, या ये डर है जो इंसान को गलत काम करने से रोकता है। इसके बाद मूर्ति पूजा के कारण रामदेव बाबा जी बोलते हैं, श्री श्री रविशंकर भी बोलते हैं कि मूर्ति पूजा, जैसे कि जो मूर्ति है, जो अपना कर्म किया है, पहले धर लीजिए कि हम लोग कृष्ण को मानते हैं, तो कृष्ण ने जितना कर्म किया है, अगर हम मूर्ति को देखते हैं तो उसको गुण जो है वो हमें याद आने लगता है। तो ये पॉजिटिव बोलते हैं कि मूर्ति को देखने से उसके अंदर में जो अच्छाई गुण था वो हम में जाग जाता है और हम वैसा ही बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। भाई साहब ने दो सवाल पूछा है, पहले सवाल ये है कि क्या स्वर्ग और नरक असली में है या सिर्फ डर पैदा करने के लिए इंसानों के लिए है। स्वर्ग और नरक असली है, जन्नत और जहन्नम असली है, और असली चीज भी डर पैदा करती है, जरूरी नहीं कि वो बनावट होना चाहिए, असली है। और इसमें जो लोग गलत करेंगे वो नरक में जाएंगे, जो अच्छा काम करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। जहां तक दूसरा सवाल है कि रामदेव बाबा और श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि श्री कृष्ण को जब उसकी तस्वीर को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, जो अच्छे काम किए वो याद आते हैं और आप उनके जैसा बन जाते हैं, ये कह रहे श्री श्री रविशंकर और रामदेव बाबा। आप श्री श्री रविशंकर में मानेंगे या वेद में मानेंगे? वेद कहती है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं। लिखा है श्वेता सेतार उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं,
तो आप श्री श्री रविशंकर की बात मानेंगे या वेद की बात मानेंगे? अगर आप श्री श्री रविशंकर की बात मानते हैं और वेद की बात को छोड़ देते हैं तो आप श्री रविशंकर के चेले बनते हैं लेकिन वेद के नहीं। मैं भी अगर कुछ कुरान के खिलाफ बात करूं तो मुझे छोड़ दीजिए, मैं हमेशा कुरान का हवाला देता हूं। कुरान अल्लाह की किताब है तो कुरान का हवाला दे के कुरान की बात करता हूँ तो मानो, अगर कुरान को मैं छोड़ दूंगा तो मेरी बात भी मत मानो जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ बात करता है। कितना भी बड़ा आलिम हो उसकी बात मत मानो। उसी तरीके से मैं जो बात कर रहा हूँ वेद की बात कर रहा हूँ, तो अगर वेद की बात टकराती है श्री श्री रविशंकर से, रामदेव बाबा से, और मेरा डिबेट हो चुका है श्री श्री रविशंकर के साथ, मेरा डिबेट श्री श्री रविशंकर के साथ हो चुका है बैंगलोर के अंदर, और वो डिबेट देखिए आप, वो डिबेट का मौजू था कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम इन द लाइट ऑफ द स्क्रिप्चर्स, मीन्स धर्म की जितनी किताबें हैं उनकी रोशनी में खुदा का क्या तस्वूर है इस्लाम और हिंदुइज्म में, और मैंने इतने हवाले दिया वेद के हिंदू धर्म। तो भाई जिस आपने देखा जैसे कि डॉक्टर नायक जी ने कैसा सवालों का जवाब दिया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, हमें ढेर सारा प्यार दें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।